तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि थेवनिन थ्योरम क्या होती है। थेवनिन थ्योरम का हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि थेवनिन थ्योरम से किस तरीके के थेवनिन थ्योरम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको हम किस तरीके से इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो चलिए हम थेवनिन थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं। एक हमारा इसमें नेटवर्क होता है, ये हमारा एक नेटवर्क है। सपोज ये नेटवर्क है और ये हमारा यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है। ये इसको हम आर एल से डिनोट कर देते हैं और ये हमारा सपोज नेटवर्क है ये। ठीक, अब इस नेटवर्क को हम किस तरीके से इजीली वे में सॉल्व करेंगे ये देखना करेंगे किसके अकॉर्डिंग? थेवनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग। थेवनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग इस लोड को इजी सर्किट में कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ एक आर टी एच लगाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा आर टी एच और यहाँ हमने एक वी टी एच लगाते हैं यानी कि वोल्टेज बैटरी लगाई हमने, इसको हम बी टी एच से डिनोट करते हैं। यहाँ आर टी एच होगा और यहाँ हम जो हमारा ये लोड था, ठीक है, इस लोड को हम यहाँ लगाएंगे। ये लोड हमारा लगा, इसको हम डिनोट करेंगे आर एल से। ये हमारा आर एल हुआ ए और बी। अब ये हमारा जो बना है ये सर्किट जो बना है, ठीक, ये जो सर्किट बना है हमारा इधर का, ये हमारा कहलाएगा थेवनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं थेवनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ये हमारा थेवनिन इक्विवेलेंट सर्किट है और जो ये वोल्टेज होती है हमारी, जो बैटरी हमने लगाया है, इसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी हम बोलते हैं। इसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं। ये हमारा आर एल लगा यानी कि लोड पे रेजिस्टेंस है, ये हमारा आर टी एच यानी कि थेवनिन रेजिस्टेंस, ये हमारा वोल्टेज है, इसको हम थेवनिन वोल्टेज बोलते हैं। इस नेटवर्क को हमने इस सिंपल सर्किट में हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमारी जो लोड पे करंट फ्लो होगी, जो लोड पे हमारी करंट फ्लो होगी इस बैटरी से, वो हमारी आई एल कहलाई यानी कि लोड करंट कहलाई जाएगी। अब हम देखते हैं लोड करंट, यदि हम की सर्किट की अगर हमें लोड करंट फाइंड करनी हो तो हम किस तरीके से लोड करंट फाइंड करेंगे। तो इसके फॉर्मूले में आपको यहाँ लिख देता हूँ लोड करंट कैसे फाइंड करेंगे, लोड वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, लोड पे हमारी पावर कैसे फाइंड होती है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए आई एल यानी कि लोड करंट, जो लोड करंट होती है वो कैसे हम लिखेंगे। लोड करंट बराबर होगा थेवनिन वोल्टेज यानी कि वी टी एच अपॉन में थेवनिन रेजिस्टेंस आर टी एच प्लस में आर एल यानी कि लोड का रेजिस्टेंस, ये हुआ। अब देखिए लोड करंट जो निकलती है थेवनिन वोल्टेज अपॉन में आर टी एच प्लस आर एल, इसकी सहायता से हम यहाँ पे लोड करंट निकाल सकते हैं आसानी से। अब देख लेते हैं लोड पे वोल्टेज कैसे निकलेगी। लोड, अब लोड वोल्टेज इक्वल टू होता है लोड करंट इंटू आर एल यानी कि लोड पर रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब ये हुआ यानी कि जैसे सिंपल फॉर्म में जैसे कि हम ओम्स लॉ में निकालते थे आई बराबर बी अपॉन आर, बी बराबर आई आर, सेम वही कॉन्सेप्ट है इसका भी। अब पावर यहाँ फाइंड कर लेते हैं। पावर देखिए कैसे निकालते हैं, पी बराबर आई आर होता था तो यहाँ लिखते हैं हम आई एल इंटू वी एल। अब लिख लेते हैं हम पी बराबर पी एल यानी कि लोड पे पावर इक्वल टू वी एल स्क्वायर अपॉन में आर एल। आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर वाला, सेम वही कॉन्सेप्ट है इसका भी। अब हमारे ये चार फॉर्मूले यहाँ बने हैं। ठीक, एक तो वी एल पी एल और पी एल, ये पी एल यानी पावर लोड पे पावर के हमारे दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला और होता है और आई एल। ठीक, ये फॉर्मूले हमारे बने, इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग आप थेवनिन थ्योरम में किसी भी इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, लोड करंट निकाल सकते हैं, लोड वोल्टेज, लोड पावर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कि अब हम देखते हैं कि थेवनिन थ्योरम का जो सर्किट होता है इसको किस तरीके से आसानी से और सॉल्व कर सकते हैं केवीएल केसीएल की सहायता से। तो आप देख सकते हैं हमने एक सर्किट ड्रॉ किया है, तो इसमें दो तीन बैटरी हमने लगाई है, V1 V2 और V3। अब ठीक है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगे हैं R1 R2 और R3 और लोड में हमारा रेजिस्टेंस लगा है लोड रेजिस्टेंस। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे कि इस सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। इस सर्किट के मैं तीन पॉइंट आपको बेसिक पॉइंट बताऊंगा, उन तीन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप आराम से बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हाउ टू फाइंड बी टी एच। तो हम देखेंगे कि बी टी एच को हम इस सर्किट में किस तरीके से फाइंड करेंगे, कि इसमें बी टी एच हमें कैसे पता चलेगा कि बी टी एच कितना होगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। नंबर एक पॉइंट देखेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लोड जो दिख रहा है ना आपको, ये लोड जो दिख रहा है, इस लोड को हमें ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले
लोड को ओपन करिए। सबसे पहले आप लोड को ओपन करिए, देन नंबर सेकंड पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे, जो हम यहाँ लोड ओपन करेंगे उस पर हमें BTH मानना है अपनी तरफ से, मतलब कि BTH अपनी तरफ से हमें मानना है, जो हम लोड यहाँ पे हटाएंगे इसको या हम BTH मान लेंगे, वो मैं भी आपको दूसरे सर्किट में करके दिखाऊंगा। पहले ये तीन बेसिक पॉइंट आप समझ लीजिए अच्छे से। BTH मतलब कि सबसे पहले आप लोड को ओपन करिए और ओपन किए हुए लोड पर BTH मानिए। ठीक, ये दो पॉइंट हो गए हैं। सबसे पहले आपको लोड ओपन करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे BTH मानना है अपने तरीके से, और उसके बाद में तीसरा हमारा बेसिक पॉइंट आता है, कोई भी बेसिक लॉ लगा लो आप, कोई भी बेसिक लॉ लगाओ, कोई भी आप बेसिक लॉ लगाओ, जैसे कि KBL हुआ, KCL हुआ, उसको लगा के आप इसमें BTH फाइंड करिए, समझे। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरे सर्किट में, तो चलिए दूसरे सर्किट की ओर हम चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे अभी जो हमने सर्किट ड्रॉ किया था उसमें हमारा यहाँ पे क्लोज था सर्किट, अब हम यहाँ सर्किट हमने यहाँ ओपन सर्किट किया है। अब देखिए, अब हमारा पहला पॉइंट क्या था कि फर्स्टली ओपन द लोड, पहले हमने लोड को यहाँ ओपन किया है, देन उसके बाद में हमने यहाँ BTH माना है। देखिए हम BTH यहाँ पे मान लेते हैं, जो हमने लोड ओपन किया था यहाँ RL था, ये हमने यहाँ RL हटा दिया है और हमने यहाँ BTH माना है अपने तरीके से। हमने यहाँ BTH अब मान लिया है, अब हमने क्या करना है, अब हमें ये लूप दिख रहा है, सबसे पहले ये लूप दिख रहा है, इस लूप में हमें करंट फाइंड करनी है कि इसमें करंट कितनी है। क्यों? क्योंकि जब इसमें KBL हम इधर को लगाएंगे तो इसमें हमें करंट पता होनी चाहिए कि इस वाले R2 में हमारी करंट कितनी जाएगी, तो इसलिए हम पहले इस ब्रांच में या सॉरी इस लूप में हमें करंट फाइंड कर लेनी है। तो हम यहाँ करंट देखेंगे करंट कितनी होगी, तो ये देखिए I बराबर क्या होगा, ये दो बैटरी लगी हैं V1 प्लस के V2 हो जाएगा, अपॉन में ये दो रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ आप करंट फाइंड कर सकते हैं। सपोज यहाँ करंट I है, हमने मान लिया, कोई वैल्यू नहीं ली है अभी, आप अगर कोई वैल्यू कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसमें वैल्यू होगी, इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे तो बहुत ईजिली आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसमें हमने मान लीजिए करंट फाइंड करी I, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें KVL अप्लाई करते हैं, KVL अप्लाई, KVL इस ब्रांच में, अब इस वाले इसमें हम KVL अप्लाई करते हैं जो ओपन सर्किट है। अब हम देखिए, हमने इधर KVL इधर से स्टार्ट करते हैं, ये सपोज प्लस टर्मिनल इसका, ये हम नेगेटिव टर्मिनल है माइनस का, KVL इसमें अप्लाई करेंगे तो माइनस के BTH, क्योंकि ये मैं ले रहा हूँ, आप प्लस ले सकते हैं तो आप सबको उसी अकॉर्डिंग लेंगे, मैं इस तरीके से ले रहा हूँ कि यदि यहाँ प्लस है तो मैं माइनस ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ देखिए माइनस के BTH, फिर अगर ये देखिए माइनस का टर्मिनल है बैटरी का, माइनस के टर्मिनल से निकलेगी तो मैं प्लस ले रहा हूँ, प्लस से निकली थी तो मैंने माइनस लिया था, बस इतना ही अंतर है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ से माइनस से निकली तो प्लस लिया, प्लस के V3। अब देखिए ये क्योंकि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में इसमें करंट जो होगी इस रेजिस्टेंस में करंट हमारी जीरो वैल्यू की होगी। अब हम इसमें इस जब ये करंट जीरो की होगी तो इस रेजिस्टेंस को यदि हम नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोड़ सकते हैं या जीरो भी ले सकते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ मान लिया जीरो भी लिख दिया या नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ जीरो लिखा, अब करंट इधर गई, अब इसमें क्या होगा, आई इंटू आर टू हो जाएगा। ठीक, आई इंटू आर टू, अब प्लस से निकल रही है तो माइनस के V2 इक्वल टू जीरो, बस अब आपका ये KVL से निकल गया है। ठीक है, अब इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा थेवेनिन थ्योरम का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट था थेवेनिन थ्योरम का। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो जो दोस्तों हमारी होने वाली है वो होने वाली है हमारी नॉर्टन थ्योरम के ऊपर, नॉर्टन थ्योरम। मैं छोटी छोटी वीडियो आपको बताता रहूँगा ताकि छोटी छोटी वीडियो में आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप ज़्यादा से टाइम इरिटेट भी ना हो, ताकि हाँ भाई ज़्यादा से टाइम हो जाता है कि देखते देखते तो इरिटेट होने लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये छोटी वीडियो आपको बनाई है थेवेनिन थ्योरम के ऊपर। तो कमेंट करके दोस्तों अगर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और कोई भी क्वेरी हो तो आपकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फ्रेंड्स।